ओम शांति। आज का विचार है कर्म संभल कर कीजिए। कर्म रूपी कड़ियों से जुड़कर मानव जीवन बनता है। जैसा कार्य वैसा जीवन, यह अकाट्य सत्य है। हम जो कुछ करते हैं मानो बीज बोते हैं, जो कालांतर में उग उग कर फल के रूप में हमारे सामने आता है और हमारा भाग्य बन जाता है। करते समय जो कर्म था, लौटते समय वही भाग्य बन जाता है। हम जो बोएंगे वही उगेगा। त्याग बोएंगे, त्याग उगेगा। प्रेम बोएंगे, प्रेम उगेगा। सत्य बोएंगे, सत्य उगेगा। उदारता बोएंगे तो उदारता उगेगी। हमारा बोया हुआ ही हमें वापस मिलता है। इसमें जरा भी हेर फेर नहीं हो सकती। संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। किसी ने सत्य कहा है, कर्म से डरो, भगवान से नहीं। भगवान माफ़ कर देगा, कर्म नहीं। कर्म तो निश्चित फल लेकर ही लौटेगा। कर्म के तीन स्तर है, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा अर्थात सोचना, वाचा अर्थात बोलना और कर्मणा अर्थात शरीर द्वारा कर्म करना। हम जिसके प्रति जैसा सोचेंगे वह व्यक्ति भी हमारे प्रति वैसा ही सोचेगा। हमारे मन में उठे विचारों से हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के विचार प्रभावित हो सकते हैं। विचार एक सेकंड में कहीं से कहीं पहुंचकर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। हम जो बोलते हैं वह भी कर्म है, उसका फल भी बीज के अनुरूप ही निकलता है। इसलिए कहा गया है, शब्द संभाल के बोलिए। एक शब्द बने औषधि, एक शब्द बने घाव। शरीर और इसकी इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्म को कर्मणा कहा जाता है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, और इसे संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। भगवान कहते हैं, भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, कल्याण की भावना है, तो ऐसे भावना का फल न मिले यह हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।